नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अकाल की आशंका से जूझ रहे किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी राहत की घोषणा की है। बारिश के अभाव में फसल खराब होती है तो राज्य सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मझुआ कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने राजीव भवन पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही। इंदौर के बाणगंगा थाने पर लूट की वारदात करने वाले एक संदिग्ध आरोपी फरार हो गया। सूत्रों का कहना है कि दो दिन पहले आरोपी को लूट की वारदात के शक में थाने लाया गया था, लेकिन सुबह ड्यूटी पर तैनात एक हवलदार को शौचालय जाने के कहकर वो थाने से फरार हो गया। और आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थाने से भागने वाले के केवल संदिग्ध था, यानी कि उसमें सिर्फ संदेह था बल्कि कोई आरोपी नहीं था। उस पर किसी प्रकार का कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था। पुलिस अब मामले को दबाने की कोशिश में लगी है। छत्तीसगढ़ में डेंगू बुखार एक नई मुसीबत लेकर आया है। रायपुर शहर में तो डेंगू अब जानलेवा होता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों समता कॉलोनी निवासी एक 43 साल की महिला की डेंगू से मौत हो गई थी। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। रायपुर में पिछले 20 दिनों के अंदर अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। रविवार को बोरे चौक इलाके में मछली बाजार में सरेआम युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल शुरुआत दो युवकों के बीच झगड़े से हुई थी और बात हत्या तक पहुंच गई। मरने वाला युवक कांग्रेस के पूर्व विधायक अग्नि चंद्रकार का भतीजा संदीप चंद्रकार है। आपको बता दें कि फिंगेश्वर की पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में चर्च में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी चर्च के बाहर लोगों को कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला पंडरिया तहसील के कुकदूर थाना क्षेत्र का है। अज्ञात लोगों ने चर्च के अंदर लगे पंखे पोडियम को तोड़ डाला और साथ ही चर्च के अंदर मौजूद लोगों ने उन पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। छिंदवाड़ा गांव में बोराखेरी में 23 गांव वालों को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र देने के मामले में आरोपी सचिव ने रविवार देर शाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले आरोपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पत्रकारों को दोषियों के नाम बताए। इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता तो पुलिस लगा ही लेगी, लेकिन आरोपी के नाटकीय घटनाक्रम के बाद सरेंडर करने के मामले ने पुलिस की कलाई खोल कर रख दी है। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। 17 साल के किशोरी ने नौकरी दिलाने के झांसा देकर भाजपा नेता मिश्रा ने दुष्कर्म किया। और आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर रविवार रात को कोतवाली थाने में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। देर रात एएसपी अवधेश प्रताप सिंह, एसडीओपी मंजू चौहान कोतवाली थाने में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कई इलाके मौसम की मार झेल रहे हैं। कहीं अतिवृष्टि से किसान बर्बाद हुए तो कहीं सूखे ने हालत बिगाड़ रखी। और आपको बता दें कि बारिश की अनियमितता से फसलें खराब होने की नौबत आ गई। भोपाल और आसपास के इलाकों में सोयाबीन की फसल 50-60% तक खराब हो चुकी है। वहीं प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी सोयाबीन के बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है। आज फसल की हालत ये हो गई है कि दवा डालकर फसलों को सड़ाकर सुखाना पड़ रहा है और सूखने के बाद यहाँ हकाई करके नई फसलें बोई जाएंगी। मुरैना के बड़ोखर स्थित एक मकान की छत पर सांड चढ़ गया। उस वक्त मकान में कोई नहीं था। बाहर घूम रहा आवारा सांड सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ा और छत पर मुंडेर नहीं होने से उसके गिरने का भी डर बना रहा। सूचना पर पहुंचे गौ सेवकों ने उसे रस्सी बांधकर 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बस्तर पुलिस को गांजा तस्करों के खिलाफ रविवार को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि बोधघाट थाने के जवानों ने 100 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तस्कर नंदा खोरा 30 साल का है और उड़ीसा का रहने वाला है, जो उड़ीसा से अपने साथी के साथ मिलकर बाइक के जरिए छत्तीसगढ़ में 7 लाख रुपए का गांजे की तस्करी कर रहा था, जिसे अड़ावल के पास घेराबंदी कर जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। तो ये थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इन खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।